Welcome back to another video, guys. I hope you guys are doing absolutely fine. And today we are going to talk about another vintage car for you, that is Ford Model A Cabriolet 1930. So, आइए बात करते हैं इसकी कुछ और डिटेल्स के बारे में. My name is Chirag and you are watching Machine and Mechanism. सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे ये फोर्ड मॉडल ए जो मैन्युफैक्चर हुआ था, ये 1927 से 1931 तक मैन्युफैक्चर किया गया था बाय फोर्ड मोटर कंपनी. एंड इसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी लॉन्च किए गए थे, लाइक कूपे, स्टैंडर्ड एंड डिलक्स. एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. एंड एट द सेम टाइम फोर्ड ऑल्सो मेड मॉडल ए प्लांट्स इन अर्जेंटीना, कैनेडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूके एज वेल. एंड 1930 से लेके 2022 में ये आप जो गाड़ी देख पा रहे हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू गाइज, मिस्टर फराज एंड हिज फादर डूइंग अ परफेक्ट जॉब. पूरा रिस्टोरेशन प्रोसेस के थ्रू इस गाड़ी को इस तरह का बनाया गया है, सारे पार्ट्स इसके इम्पोर्ट करा के, जस्ट टू गिव द ओरिजिनल लुक्स टू द कार. चलिए आपको अब दिखाते हैं गाड़ी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली किस कंडीशंस में लेके आई जाती है. एंड देन पूरा रिस्टोरेशन प्रोसेस करने के बाद सामने आप देख पा रहे हैं ये फाइनल प्रोडक्ट. So guys, ये है पूरा रिस्टोरेशन प्रोसेस. एंड anyone wants to buy any vintage car or do any restoration work, please go to the description box and वहाँ पे एक email ID मिलेगी आपको, आप उस पर directly contact कर सकते हैं. And before we move any further, subscribe the channel, like the video and share the video as well. So guys, अब बात करते हैं इसकी looks के बारे में, then चलेंगे इसके interior part पे. So first of all, सामने आप देख पाएंगे Ford की badging मिलेगी आपको सामने. एंड बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही मैसिव क्रोम ग्रिल मिलती है आपको सामने इसके अंदर. एंड ये है इसके हेलोजन हेडलैम्प्स. एंड ये है इस गाड़ी का हॉर्न. एंड इफ आई जूम अ लिटिल बिट, आपको यहाँ पे लाइट के ऊपर एक फोर्ड की बैजिंग भी नजर आएगी. दैट मींस जो भी पार्ट यहाँ पे यूज किए गए हैं, दैट ऑल आर 100% ओरिजिनल. एंड ये जो आप देख पा रहे हैं सामने, दिस इज काइंड ऑफ अ कार प्रोटेक्टर, एग्जैक्टली सेम लाइक आज के जमाने में अगर आप बात करें तो गाड़ियों में फ्रंट एंड रियर बम्पर गार्ड लगाते हैं आप लोग. एग्जैक्टली सेम इन 1930s और ऑल द विंटेज कार्स गॉट दीज काइंड ऑफ गार्ड्स. सो अब बात करेंगे इसके टायर्स की. सामने आप जो देख पा रहे हैं बहुत ही एंटीक लुक्स में 19 इंच के वेल्डेड वायर व्हील्स हैं. एंड ब्रेक्स की बात करें, आपको फोर व्हील मैकेनिकल ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं इस गाड़ी में. एंड अब बात करेंगे इसके इंजन की. ये जो आप सामने छोटा सा स्पेस देख पा रहे हैं, ग्रिल देख पा रहे हैं, दिस इज फॉर एयर इनटेक. इसका फ्रंट की तरफ इसका इंजन दिया गया है. एंड 3.3 लीटर्स का वाटर कूल फोर सिलेंडर इंजन मिलता है आपको. प्रोड्यूस करेगा 40 हॉर्स पावर एंड 174 Nm टॉर्क. एंड टॉप स्पीड की बात करें इसकी, 105 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है इसकी. ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, इट्स अ फ्यूल टैंक एक्चुअली. 37-40 लीटर्स की अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगी फ्यूल टैंक कैपेसिटी. इट्स अ वाटर कूल्ड इंजन, सो रेडिएटर में पानी भरने की जो स्पेस है वो एग्जैक्टली यहाँ पे दी गई है, जस्ट अबव द क्रोम ग्रिल. यहाँ से आप भर सकते हैं पानी इन द रेडिएटर. सो बात करेंगे इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में. एंड गाइज, होप यू एंजॉइंग द वीडियो एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल. सो ये सामने आप देख पा रहे हैं एक क्रोम फिनिश में आपको एक फुट रेस्ट नजर आएगा, उसके ऊपर आपको फोर्ड की बैजिंग भी मिलती है. सो इसकी डायमेंशन की बात करें, आपको 4.1 मीटर की लेंथ मिलती है, विड्थ मिलती है 1.7 मीटर्स की. एंड व्हील बेस है इसका 2629 mm. एंड अब बात करेंगे इसकी रियर प्रोफाइल की. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक स्टेपनी, आप बोल सकते हैं स्पेयर व्हील, जिसके ऊपर आपको फोर्ड की बैजिंग भी नजर आएगी. एंड ये है इसका रियर प्रोटेक्टर, यहाँ बोल लीजिए रियर गार्ड. एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी टेल लाइट्स.
सो जितनी खूबसूरत ये आगे से है उससे भी ज्यादा ब्यूटिफुल लुकिंग कार फ्रॉम द बैक साइड एज वेल। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ दिस कार, ये आपको लग रहा होगा कि ये टू सीटर कार है, बट नो, दिस इज अ फोर सीटर कार। ये जो आप देख रहे हैं इट्स नॉट अ बूट, ये बूट नहीं है, इसको आप खोलेंगे तो आपको नजर आएगा, एक्चुअली दिस इज द रियर सीट्स लाइक दिस। ये आप ओपन करेंगे, पीछे आपको बैठना हो तो आप यहां पे इजिली आराम से पीछे बैठ सकते हैं। एंड गाइस, दिस इज नॉट एट ऑल एनी मॉडिफिकेशन, दिस इज द ओरिजिनल कार एक्चुअली, जो 1930s में ओरिजिनल मॉडल इस तरह से ही डेवलप किया गया था कि दो सीट्स आगे एंड दो सीट्स इस तरीके से पीछे आपको मिलती हैं। एंड यहां पे काफी अच्छा लेगरूम भी दिखाई देगा आपको सामने। एंड द पॉइंट इज कि सीट्स पे बैठा कैसे जाए, तो ये आपके दो फुटरेस्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट इज हेयर एंड द सेकेंड वन इज राइट हेयर दिस। So this is the way you can, you know, sit in the rear seats. I know it's kind of funny, but yes, exactly 1930s mein is tarah se hi aapko seat pe agar baithna ho rear seat pe, to this is the only way you can get into the rear seats. Right, so chalte hain gaadi ke andar. First of all, dekh payenge aap samne ek chrome door handle hai and yahan pe another chrome handle and this lever is for manually aapke window operate karne ke liye like this. एंड यहाँ पे कुछ स्पेस फॉर योर गुड्स, इस तरह से कुछ विजिबल होगा आपको इंटीरियर। फैब्रिक सीट कवर्स मिलते हैं आपको इस गाड़ी के अंदर। एंड ये जो आप रूफ देख पा रहे हैं सामने, इट इज ऑल्सो अ फैब्रिक रूफ बिकॉज दिस कार इज एक्चुअली अ कन्वर्टेबल कार। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि गाड़ी कैसे कन्वर्ट करते हैं। काफी अच्छा लेग रूम है इस गाड़ी में। आइए बैठते हैं इसकी ड्राइवर सीट पे, देखते हैं कैसा कंफर्ट है वहां पे एंड कैसा इसका स्टीयरिंग व्हील। मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस गाड़ी के बारे में जो आप सोच भी नहीं पाएंगे इस गाड़ी में ये हो सकता है इन द मॉडल ऑफ 1930s। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सामने आप देख पा रहे हैं ये अगेन लॉक अनलॉक बटन है, इस तरीके से इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। एंड दिस लिवर इज फॉर योर विंडोज। यहां पे कुछ स्पेस, फैब्रिक अपोस्ट्री है, देखने में काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। लेट्स सिट एंड देखते हैं कैसा कंफर्ट है। कार इज क्वाइट कंफर्टेबल, ये है इसका स्टीयरिंग व्हील। एंड नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द कार, दिस लिवर इज एक्चुअली अ क्रूज कंट्रोल, यू हर्ड इट राइट। ये इस गाड़ी का एक्सेलरेशन कंट्रोल करने के लिए एक लिवर दिया हुआ है जो उस टाइम का क्रूज कंट्रोल का ही काम करता है लाइक दिस। ये है इसका एक्सेलरेटर, मैं यहाँ से लिवर प्रेस कर रहा हूँ तो इसकी एक्सेलरेशन है वो कम या ज़्यादा आप लिवर से ही कर पाएंगे। एंड दिस लिवर इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन कंट्रोल, ऊंचे नीचे खराब रास्तों पे अगर आप ये लिवर ऑपरेट करते हैं तो थोड़ी सी गाड़ी की स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, तो उस जमाने का कह सकते हैं आप इसको ट्रैक्शन कंट्रोल। एंड यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ चार आपको नजर आएंगे, फर्स्ट इज गाड़ी का इग्निशन ऑन या ऑफ करने का, गाड़ी स्टार्ट करने का है। सेकेंड वन इज द एम्पियर मीटर, जो बैटरी का जो मीटर है वो यहाँ पे मिलता है आपको। थर्ड वन इज द फ्यूल लेवल मीटर, यहाँ पे आपको फ्यूल लेवल शो होता है कितना गाड़ी में फ्यूल अवेलेबल है। एंड द फोर्थ वन इज द स्पीडोमीटर। एंड ये है इस गाड़ी का रियर व्यू मिरर। एंड इस तरह से कुछ दिखाई देंगे आपको इसके बहुत ही लैविश इंटीरियर। एंड इसमें आपको थ्री स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है विद वन रिवर्स गियर। एंड ये जो लिवर है आप देख पा रहे हैं, दिस इज एक्चुअली अ हैंड ब्रेक, इस तरह से आप प्रेस करके इसको खींचेंगे अपनी तरफ तो ये हैंड ब्रेक आपकी एक्टिव हो जाएगी। एंड सेम इसको आप अगर नीचे प्रेस करते हैं तो ये आपका फंक्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो दिस पर्टिकुलरली इज द हैंड ब्रेक। एंड ये जो आप नॉब देख रहे हैं सामने, दिस इज जस्ट टू स्टार्ट द सप्लाई ऑफ पेट्रोल टू द इंजन। ये आपको जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी हो ये आप इसको ऑन करना पड़ेगा, अगर आप इसको ऑन नहीं करते हैं तो यू वोंट बी एबल टू स्टार्ट द इंजन। आइए अब देखते हैं इसका इंजन। इसका इंजन जो है वो फ्रंट साइड पे है, सो इस तरह से आप इसको ओपन कर पाएंगे। ये है आपका इंजन 3.3 लीटर 3286 सीसी वाटर कूल फोर सिलेंडर इंजन। सो आइए ओपन करते हैं इसकी रूफ को। इस तरह से अंदर एक नॉब दी हुई है, इसको आप सिंपली आसानी से खोल के इसे आप पुल करेंगे ऊपर की तरफ, तो इस तरह से आपकी कार जो कन्वर्टेबल कार है आप रूफ को हटा पाएंगे इजीली।
दिस कार इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो गाइस ये है 1930 फोर्ड मॉडल ए कैबरोलेट। 3.3 लीटर्स का इंजन मिलता है आपको, वाटर कूल फोर सिलेंडर इंजन, प्रोड्यूस करता है 40 हॉर्स पावर एंड 174 Nm टॉर्क। टॉप स्पीड की बात करें इसकी 105 किलोमीटर पर आर की अप्रोक्सीमेटली टॉप स्पीड है। एंड इसकी माइलेज की बात करें अगर तो 10 लीटर पेट्रोल में ये अप्रोक्सीमेटली 90-100 किलोमीटर रन कर देती है। सो गाइस कैसी लगी आपको गाड़ी? एनीवन वांट्स टू बाय एनी विंटेज कार और डू एनी रिस्टोरेशन वर्क, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे जरूर कॉन्टैक्ट करिए। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल। एंड दोज हु आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, आपको वहां पे दो और वीडियो मिलेंगी फॉर द विंटेज कार्स। फर्स्ट वीडियो इज शेवोले फ्लीट मास्टर, द हाईएस्ट सेलिंग कार दैट टाइम्स, एंड द सेकेंड वीडियो इज शेवोले कैपिटल ए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब दिखाते हैं आपको इस गाड़ी की एक छोटी सी ड्राइव। थैंक यू सो मच।